हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा बैंक पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या इसके सपोर्ट रहेंगे, क्या इसके टारगेट रहेंगे, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई स्टॉक में कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म के व्यू से बात करें तो स्टॉक अभी साइडवे ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, आपको नजर ही आ रहा होगा। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अब ट्रेंड कब इस स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रखी होगी तो उनको टेंशन होगी कि टारगेट क्या रहने वाले हैं। तो फिलहाल हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म के स्पॉट और टारगेट क्या रहेंगे। यहाँ पे बात करें सबसे पहले जहाँ से इसने दो दिन पहले रिकवरी दिखाई थी उस लेवल की, यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक ने मल्टी टाइम, यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस का काम किया, ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रिकवरी दिखा के तेजी दिखाई, कई दिन तक यहाँ भी स्टॉक ने ट्रेड किया। तो ये एक हम शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट मान सकते हैं। यहाँ पे ये लेवल है 115.70 का, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देती है तो भाई फिर ये 105 तक जाता हुआ नज़र आएगा। उससे पहले छोटे छोटे दो स्पॉट और आपको नज़र आ जाएंगे। भाई देखो, ये मार्केट हमेशा ऐसे ही डाउन जाती है, ये कैसे भी पूरी मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई, तो कहाँ से थोड़ी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो स्टॉक यहाँ पे सेकंड रहेगा 109 का, उसके बाद 105 का, ठीक है। अब बात करते हैं अप ट्रेंड की, स्टॉक में अप ट्रेंड कहाँ से शुरू होगा। देखो, पॉसिबिलिटी है कि कई दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे किया था, और उसके बाद ये देखो इवेंट का है तो ये हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दिया तो फिर ये अप साइड का मतलब अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा स्टॉक में। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 120 का, सेकंड रहेगा हमारा टारगेट 124 का, और थर्ड हमारा रहेगा 127 का। तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म के व्यू से हम देखें तो क्या कुछ टारगेट हमें स्टॉक में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट देता है जितना ये है जो हमारा रेक्टेंगल है, उतना ही अपसाइड आपको जाता हुआ नज़र आएगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ। तो टारगेट यहाँ पे रहने वाला है 148 का, तो ये टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, डाउन ट्रेंड में फिलहाल चला हुआ है, अगर ब्रेकडाउन कर देता है जो कि है लेवल 105 का, अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर आपको उतना ही जितना ये है अपसाइड उतना ही डाउन आपको आता हुआ नज़र आएगा। और इसके बाद स्पोर्ट रहेगा 96 का। वैसे तो मुझे इतनी गिरावट स्टॉक में नज़र नहीं आ रही है, बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ खुद के एनालाइज ज़रूर करें या फिर अपने सलाहकार से सलाह लेके इन्वेस्टमेंट करें।